हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये एलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हैज़ कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में डेक्कन ट्रैप की शेल स्मोक किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुई है दक्कन ट्रैप फॉर्मेशन में, ये हुई है फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनिक इरप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिंदी में प्रवाह, या इसको बाढ़ बेसॉल्ट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्लड वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? मीटिंग पॉइंट पूछा है यहाँ पे, संगम स्थल अलकनंदा और भागीरथी का। तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं दोनों। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में है। ऑप्शन में विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा रिवर से मिलती हैं विष्णुप्रयाग में, धौली गंगा और अलकनंदा। कर्णप्रयाग में एक तो पिंडर पिंडर नदी और अलकनंदा, ओके, पिंडर नदी और अलकनंदा रिवर्स मिलती हैं कर्णप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा, ओके, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है इनका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर आइलैंड मोजॉली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। निम्नलिखित में से किस नदी में मजौली नदीय द्वीप स्थित है? मजौली नदीय द्वीप जो है किस नदी में स्थित है? मजौली पर नदीय द्वीप ये ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो मजौली आइलैंड है या मजौली द्वीप है, ये असम में पड़ता है, आसाम में। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक रिवर आइलैंड है, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड, नाम है मजौली, ओके। देख लीजिए, मजौली या मजौली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, असम की सांस्कृतिक राजधानी, इसको याद रखें, ये सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानी जाती है ये प्लेस मजौली। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है चाइना से निकलती है, उसके बाद भारत में एंटर करती है और उसके बाद बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज रिवर राइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरना, राक्षस ताल, रोहतांग दर्रा, व्यासकुंड। देखिए, रोहतांग दर्रा और व्यासकुंड तो कैंसिल हो जाएगा, राक्षस ताल से निकलती है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल तिब्बत में है, तिब्बत जो कि अब चाइना ऑक्युपाइड है, यानी चाइना का पार्ट है, चाइना ने कब्जा कर रखा है, राक्षस ताल तिब्बत में है। राक्षस ताल से निकलती है और एक शिपकी ला दर्राता है, शिपकी ला दर्रे से क्रॉस होकर ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के हिमाचल में, ओके, शिपकी ला दर्रे से होकर। और सतलुज रिवर पे भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम का निर्माण किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है हिमाचल प्रदेश की। रोहतांग दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और लाहौल के बीच में है, कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन में वेरीनाग झरना है, ये जो वेरीनाग फॉल है ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए, यहाँ पे यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा है, तो यमुना की सहायक नदी एक तो गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, टोंस पब्बर ये सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, सोम्ब रिवर यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सिरसा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा।
यमुना का एंशियंट नेम, यमुना का प्राचीन नाम जो है कालिंदी है। ओके, कालिंदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना रिवर, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों में, और इसका उद्गम ही होता है यमुनोत्री से। यमुनोत्री से निकलती है ये, तिब्बत यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो पूछा गया है यहाँ से, सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन या हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो है बिहार। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिहार इज द मोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस। अगर यहाँ की डेंसिटी की बात करें तो यहाँ की डेंसिटी है 1106, 1106 पर्संस पर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, तो बिहार नंबर वन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैदराबाद। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, क्या आप बता सकते हैं कि हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड के नाम से किस मिनरल को जाना जाता है? कौन सा खनिज है वो जिसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड, आयरन, लिग्नाइट, मैग्नीज या माइका। तो ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है लेग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेग्नाइट। लेग्नाइट इज नोन एज ब्राउन डायमंड, इसके मिलता जुलता ही काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे रहता है? वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात जो है, हाईएस्ट रेशो जो है, गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यहाँ निम्नलिखित लिखा है तो जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से बताना था। अगर सबसे कम गरीबी का अनुपात की बात करें तो सबसे कम है केरल में। केरल में जो पॉवर्टी की रेशो है, गरीबी की रेशो 0.71% है, 1% से भी कम है। ओके, पॉवर्टी की रेशो। इसके बाद आता है सिक्किम, सबसे कम में पहले नंबर पर है केरल, दूसरे पे है सिक्किम एंड थर्ड पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो एक क्वेश्चन बचता है, इसको भी कवर कर लेते हैं आज। द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज, भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुतम भाषा वर्ग कौन सा है? लघुतम भाषा वर्ग पूछा गया है यहाँ से, अनुसूचित भाषाओं में से सबसे छोटा भाषा वर्ग कौन सा है? स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप तो है कश्मीरी लैंग्वेज ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कश्मीरी लैंग्वेज ग्रुप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 जो है बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में। टोटल 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 भाषा हैं। स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है कश्मीरी भाषा का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंडियन ज्योग्राफी से। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।